एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिव्या भारती उन एक्टर्स में से एक थीं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने करियर की ऊंची उड़ान भर ली थी। उन्होंने पहली बार 1990 में स्क्रीन का सामना किया था, तब वे केवल 16 साल की थीं। 19 साल की उम्र में उनकी रहस्यमयी मौत के साथ उनका करियर भी खत्म हो गया। दिव्या की मौत के पीछे साजिश होने की भी बात सामने आई थी। जिस समय कई लोग उनकी मौत के सदमे में थे, उस समय कुछ लोग उनकी मौत के पीछे हुई साजिश का पता लगाने में मशगूल थे। एक थ्योरी के मुताबिक उनके पति साजिद को उनकी मौत का आरोपी माना जा रहा था। वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक यह बात सामने आई थी कि साजिद अंडरवर्ल्ड और उनकी मां के साथ उथल पुथल भरे रिश्तों ने उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया था। लेकिन उनकी मौत का असली कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। दिव्या की मौत के बारे में तथ्य काफी अलग अलग है। काफी लोग ने हमें बताया कि दिव्या की हत्या श्रीदेवी ने की है। श्रीदेवी को दिव्या के कारण फिल्में नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने दिव्या को धक्का दे दिया। पर जैसा कि हमने आपको पिछले बताया था कि श्रीदेवी और संजय दत्त पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत हैं। उन्हें सच मानने से पहले जरा सोचें कि अचानक दिव्या के घर में श्रीदेवी और संजय कैसे आ जाएंगे उसको धक्का देने के लिए। इसलिए इन बातों पे भरोसा नहीं करें। यानी इसने नहीं दिया था दिव्या को धक्का, तो क्यों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।